इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से निकालेंगे एक रॉड के क्रॉस, ये वही रॉड है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ली थी पी एंड क्यू। रॉड मूव कर रही है अगेन विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, और रॉड यहाँ से यहाँ चले गए। एक पॉइंट को समझो, फेराडे ये बोलता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ पर हैं, बोर्ड के अंदर हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोर्ड के अंदर हैं। तो इमेजिन करो यहाँ पर थ्रेड्स हैं, धागे धागे हैं, धागों की तरह लाइंस बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, रूम में धागे धागे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही फोर्स है, टाइट इमेजिन कर रहे हो। आप एक रॉड लें, उस रॉड को जब आप उसके परपेंडिकुलर मूव करवाएंगे तो लाइंस कट करती हुई आएंगी, क्योंकि लाइंस ऐसे आ रही हैं और आप इसको ऐसे मूव कर रहे हो तो लाइंस की कटिंग होती हुई आ रही है, वो कट करती हुई आएगी। तो फेराडे ने कहा था अगर लाइन परपेंडिकुलरली कट होती हैं तो रॉड में ईएमएफ पैदा हो जाएगी। अब कैसे होगी वो करके दिखाएगा। तो मान लो ये रॉड यहाँ से यहाँ आ गई और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को कट करती हुई आ रही है यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ आने में टाइम उसे कितना लगा, डी टी, तो वेलोसिटी उसकी वी है, तो यहाँ से यहाँ उसने डिस्टेंस डी टी टाइम में कवर किया, कितना, वी डी टी। तो कितना एरिया उसने कवर कर लिया जिसमें कटिंग हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, तो एरिया डी एस ले लेते हैं, एरिया की वैल्यू क्या होगी, एल इंटू वी इंटू डी टी। लिसन टू दिस, अब फ्लक्स की वैल्यू इसमें क्या होगी, फ्लक्स होगा बी इंटू एरिया, बी बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बी बोर्ड के अंदर है मान लो, तो एंगल उनके बीच में जीरो, तो डी फाई विल बी इक्वल टू बी इंटू डी एस की जगह एल इंटू वी इंटू कितना, डी टी। आप डी फाई के नीचे ले आओ डी टी तो क्या बनेगा, बी एल वी, तो डी फाई बाई डी टी क्या होती है, मोशनल ई एम एफ। तो ई एम एफ का एक लाइन में आंसर आ गया बी एल वी। कौन करेगा वो पहला मेथड, हम क्या करेंगे दूसरा मेथड, एक मिनट में आंसर आ गया। तो रूल क्या बताया फेराडे ने कि अगर कोई रॉड मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलरली कट करती हैं, परपेंडिकुलरली कट करती हुई आती हैं, तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। राइट, क्लियर है यहां तक। तो ईएमएफ जनरेट होगी और कितनी जनरेट होगी, बीएलवी। फॉर्मूला बुकलेट में डायग्राम के साथ नोट कर लो, मोशनल ईएमएफ अक्रॉस अ रॉड इज ऑलवेज इक्वल टू बीएलवी। अब फेराडे को किसी ने पूछा कि जो पहला मेथड था उसमें आंसर सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, पर उस मेथड में एक फायदा था। क्या फायदा था, वो आपको करंट की डायरेक्शन भी साथ की साथ बताता था, इसमें डायरेक्शन कैसे पता लगेगी। तो वो फेराडे बता नहीं पाया क्योंकि वो वैल्यू बताता है सिर्फ, डायरेक्शन बताने के लिए एक और साइंटिस्ट बुलाना पड़ा जिसका नाम क्या था, फ्लेमिंग। अब वो फ्लेमिंग राइट हैंड लेके आ गया अपना, मैग्नेटिक इफेक्ट में कौन सा हैंड लेता था, लेफ्ट, और इस चैप्टर में राइट। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको डायरेक्शन बताएगा इंड्यूस करंट की। राइट, सर इसमें एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच में जीरो एंगल है। जीरो लिया है इसमें, आपने 180 लेना तो मैग्नीट्यूड ले लेना तब भी चलेगा। ओके सर।
जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताएगा। कैसे? राइट हैंड रूल ऐसे बताएगा, तीन फिंगर्स 90 डिग्री पे, तभी ये रूल लगेगा। फर्स्ट फिंगर बी, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, रॉड कैसे मूव कर रही है, तो रॉड कैसे मूव कर रही है, राइट। बी राइट, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, राइट हैंड में सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो बी बोर्ड के अंदर है, रॉड राइट जा रही है, तो सेंट्रल फिंगर ऊपर, तो करंट कहां पर आएगा, ऊपर। और याद करो हमारा पहले भी करंट इंड्यूस करंट कहां आया था, ऊपर, इंड्यूस करंट ऊपर। और इंड्यूस करंट ऊपर, इंड्यूस करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू लो। सारा काम फ्लेमिंग और उसने फैराडे ने 1 मिनट में ठीक कर दिया। तुम लगाते रहो मैग्नेटिक इफेक्ट, तुम लगाते रहो इलेक्ट्रिक फील्ड, मेथड एक्चुअल में वही है, पर इन्होंने स्टडी करके इसका शॉर्टकट बना दिया, तो सही है ना। तो आज के बाद हम ये यूज कर लेंगे शॉर्टकट, मोशनल ईएमएफ डीफाई बाई डीटी से, और डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल।